सबसे पहले मैं पेजदाई पूर्वदाव नरेंद्रदाई प्रापे पश्चापे सल्लापे गंगापे मावारा खाना सल्लागारण सेवा 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 जहाँ अबालाड़ा गुरालपे सांगवेना सल्लार को मुना सेवा जहाँ और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वान जनों को मेरा सेवा जहाँ जिस प्रकार से एक बहुत ही सराहनीय प्रयास इस संगठन की ओर से चला, मैं यहाँ पर अपनी बिना भूमिका के अपनी बात रखना चाहूंगा। आर्यों के आगमन से पूर्व इस पेंजिया पर निवासरत वह समुदाय आज भी किसी चीज के लिए तरस रहा है, स्वाभाविक है, अपने कोर्ट के लिए तरस रहा है। ऐसी स्थिति में इस भूभाग के सम्मान के लिए या इस भूभाग में निवासरत वह समुदाय, क्योंकि किसी व्यक्ति की पहचान उसका निश्चित भूभाग है, जैसे यहाँ पर जो विद्वान शामिल हैं विभिन्न राज्यों से, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और अन्य प्रदेश से, ये कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि एक निश्चित भूभाग है। ऐसे स्थिति में यदि इस गोंडवाना भूभाग पर निवासरत, मेरा व्यक्तिगत मत है कि सबके सब गोंड है, क्योंकि गोंड एक जातिवाचक नहीं प्रजावाचक है और जो पूरी व्यवस्था को मानता है और इस प्रकृतिगत व्यवस्था को चलाने के लिए जो हम गढ़ घोटुल गोदा गुंडाला का गोंगो कहते हैं वह सिर्फ गोंड समुदाय करता है। ये बात अलग है कि वह अप्रत्यक्ष रूप से कुछ लोग करते हैं, कुछ प्रत्यक्ष कर रहे हैं, और लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाए तो सभी के सभी इस पुखराल अड़ी गोंगो करते हैं। ऐसी स्थिति में मैं यहाँ पर सबसे बेस्ट समझता हूँ कि इस पुनेमी जो आंदोलन है उस पे कि कोया पुनेम शब्द ही सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रतीत होता है, अतः उस स्थान पर कोई अपने मंगित किया जाना बेहतर होगा, ऐसा मेरा एक व्यक्तिगत मत है। उम्मीद है कि आप सभी भी इस पर सहमत होंगे, बाकी नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक विचार विमर्श कर या बहस कर एक रिजल्ट निकालकर इस भूभाग के सम्मान में, क्योंकि इस व्यवस्था को सिर्फ जातिवाचक ना लेकर संपूर्ण प्रदेशवाचक या इस भूभाग के सम्मान में लिया जाए तो कोई अपने भी बेहतर विकल्प मेरे सामने है। इन्हीं शब्दों के साथ में सेवा 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 जोहार, धन्यवाद आप सभी।